इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पनीर टिक्का अचारी की रेसिपी, जो कि सीधा रेस्टोरेंट के किचन से आपके किचन में आ रही है। तो आप भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जैसे हम आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। सो वी आर इनसाइड द किचन ऑफ गोविंदास बेस्ट। अभी क्या बता रहे हैं? पनीर टिक्का अचारी। गो फॉर इट। चलिए, पनीर टिक्का अचारी। ये क्या है? कितना चम्मच है हंकर्ड? दो चम्मच हंकर्ड है। धनिया पाउडर हो गया। जीरा पाउडर। अब जा रहा है जीरा पाउडर। किचन किंग मसाला। चिली पाउडर। और अब जा रहा है चिली पाउडर। इसके पहले पहाड़ी पनीर भी बता दिया इन्होंने। चिली पाउडर अच्छा खासा चलेगा। गार्लिक पेस्ट। और अब जा रहा है इसमें गार्लिक पेस्ट। खाने को कभी ना करिए वेस्ट। जा रहा है इसमें गार्लिक पेस्ट। लेमन खटास के लिए। निबुड़ा खट्टा निबुड़ा। खटास भी आ गई आपकी अचारी में। और क्या जा रहा है यहाँ पिटारे से? ब्लैक सॉल्ट। जी हाँ, अचारी नाम से ही खटास आ जाती है, तो ब्लैक सॉल्ट भी जाएगा। सॉल्ट और सादा वाला नमक भी जाएगा। क्या बात है, सब हो गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बिजी किचन में भी इन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन करके रखा है। ये आ गया थोड़ा अचार। रुकावट के लिए खेद। और ये क्या है? कोई भी अचार ले सकते हैं जी। अचार का यहाँ पे ये जो मसाला है ये इन्होंने ले लिया, तो अचार ही बोल दिया इन्हें। और आपका अचारी है तीखा। कस्तूरी पत्ता। और ये कस्तूरी यानी कि कसूरी मेथी। कसूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहाड़ी के अचारी, ये भी ज़रूर बताइएगा। कश्मीरी चिली पेस्ट। और ये क्या है पिटारे से? कश्मीरी चिली पेस्ट। कलर के लिए। कलर और तीखापन दोनों आ जाएगा। क्या बात है, सही बच गया। मसाला आ रहा है बस, इसको थोड़ा मेल्ट कर लेते हैं। और अब इसको मिक्स करना है। करिए मिक्स। ये देखो, आपको मैं भी बताता, मैं भी मिक्स। हाय। सारे वीडियोस मैं खुद अपने हाथ से शूट करता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक दिस एक्सपीरियंस, आई लव दिस एक्सपीरियंस। और हर मास्टर्ड ऑयल। अच्छा, हर बारबेक्यू आइटम में देखा है मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ऐसा? फ्लेवर आता है, स्मोकी फ्लेवर आता है। आपको कितने साल का कुकिंग एक्सपीरियंस है? 8 साल से। क्या बात है, ऐसे मसाले लगे मस्त में मसाला ऐसा लगना है। ऐसे वेजीज भी डालना है फिर मसाले में। और फिर इसको आप सलिए में डाल देंगे। This is looking so good, यार। Look at the kitchen, that is so busy, यार। सभी लोग यहाँ पर धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं। एंड यहाँ डोसा बन रहा है, यहाँ चाइनीज बन रहा है, यहाँ पे ये हमारा बाबी। मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज भाई, बिजी किचन में भी घुस रहा हूँ मैं यहाँ पे, लोग कवर कर रहा हूँ रेसिपी। एक ही दरबार है भाई, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं इंस्टाग्राम ऑडियंस के लिए भी शूट कर रहा हूँ, मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोड में शूट कर रहा हूँ।
ये हमारा मसाला लग गया, लग गया अचारी का मसाला पनीर पे लग गया, 8 पीस बड़े से यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये देखिए मैं बिजी किचन में यहाँ पर आया हूँ, ये धड़ाधड़ ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके बीच में मैं रेसिपी मतलब आपको मैं बता दूँ, कोई रेस्टोरेंट अंदर किचन में भी जाने नहीं देगी, लेकिन मैं किचन में जाता हूँ और आपके लिए रेसिपी लाता हूँ। आपको इस वीडियो को शेयर करना है, आपके साइड में जो भी बैठा है उसके सर पे हाथ रखो और कसम खाओ कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और चैनल का टेक केयर करेंगे। मैं आपके सर पे हाथ रखूँगा, देखते रहे। गर्मा गर्म कितने देर रहेगा ये? 3 से 4 मिनट रहेगा। रेडी हो गया, दो से तीन चम्मच। एग्जॉस्ट फैन चालू रहेगा तो माफी चाहते हैं एम्बियंट साउंड की। चलिए स्टार्ट करिए। अंकट में अब डाला जा रहा है नमक, ब्लैक सॉल्ट जा रहा है, चाट मसाला गया, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर जा रहा है, जीरा पाउडर। किचन किंग, और अब जा रहा है किचन किंग, और अब जा रहा है इसमें पालक पेस्ट। ये हरियाली वाला है, पनीर टिक्का हरियाली, हरियाली टिक्के में पालक पेस्ट चले गया, धनिया और पुदीना की चटनी, इसका पेस्ट है, एक जुड़ी धनिया, एक जुड़ी पुदीना। अब इसको मिक्स करेंगे, क्या कर रहे हैं अभी? मिक्स, हाँ ओके, अभी इसको मिक्स करना है। मसाला मिक्स हो गया, मसाला मिक्स हो गया, इसमें थोड़ा राई का तेल। 8 पीस आएंगे ना? 8 पीस। और हरियाली टिक्का में अब जा रहा है सब मिक्सिंग के बाद गार्लिक पेस्ट, अब क्या जा रहा है? ग्रीन चिली, क्या बात है, फ्रेश पीसी हुई ग्रीन चिली, मजेदार। ये हरियाली टिक्का में, पहाड़ी टिक्का में चले गए, हरा रंग दिख के मुझसे हरियाली निकल रहा है। ओके, हल्का टिक्का, पहाड़ी टिक्का। अभी क्या डाला है? थोड़ा कलर के लिए पालक पेस्ट। आप कलर यूज नहीं करते? ये देखिए बिजी किचन है, यहाँ पर तंदूर सेक्शन में हम गोविंदा स्पेसिफिक है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला डोसा सब पक रहा है। तो ये मिक्स हो गया, और अब क्या कर रहे हैं? इसमें डालेंगे पनीर जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप गोविंदा बेस्ट स्ट्रीट आ रहे हैं, 240 रुपये का ये आपको मिलेगा। अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करने के लिए रखना, इसको रखना होगा अभी। अब ये ऐसे ही बस नहीं, अब कैच कर आएगा, टमाटर हो गया, कांदा हो गया, मिक्स करेंगे मसाला में। आप चाहें तो इसमें ब्रोकली भी डाल सकते हैं। नहीं, ब्रोकली ये जो एक्सेस मसाला है ये आपको ऐसे लगा देना, चिकन पहाड़ी का बड़ा प्यारा लग रहा है।
सपोर्ट के लिए आप एक गाजर लगा देंगे, ताकि ये जो एक्सेस मसाला है ये आपको ऐसे लगा देना चिकन पहाड़ी का, बड़ा प्यारा लग रहा है। और सपोर्ट के लिए आप एक गाजर लगा देंगे ताकि पनीर जो है स्लाइड होके नीचे गिर ना जाए तंदूर में। और ये है इनकी भट्टी, और ये गया भट्टी के अंदर हमारा टिक्का। और कितनी देर को ऐसे रखना होगा? बस 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट रखेंगे, रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी के घर पे तंदूर नहीं है तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं पैन पर? नहीं, इसको अपना टोस्ट करके तवे पर थोड़ा हलवा, अपना तवे पर मसाला लगा के इसको तवे पे भी बना सकते हैं। तो वैसे ही मज़ेदार बनेगा। हाँ, टेंशन मत लेना अगर घर पे तंदूर नहीं है। ये हमारा पनीर रेडी हो गया है। एक रेसिपी आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आई एम वेरी मच श्योर कि ये मेहनत आप तक पहुंच रही है। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल का टेक केयर करिएगा, इस चैनल को जैसे भी हो आप सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। Guys, what time is it? Well, it's my favorite time. जब मैं यहाँ पर ये जो पनीर पहाड़ी है इसे खाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका स्वाद कैसे है। प्रेजेंटेशन वाइज फुल मार्क्स अगेन गोविंदा वेस्ट स्ट्रीट में। जो भी मैंने आइटम्स पहले भी खाए हैं बहुत ही बढ़िया है। 8 बड़े पीसेज ऑफ पनीर आपको मिल जाएंगे, और उस पर चीज़ भी डालेंगे, और पनीर के साथ में यहाँ पर आपको कैप्सिकम भी मिल जाएगा। उंगली भुजी इन लोग हम आ गई एंड ऑल्सो दे गिवन मी चटनी एंड यहाँ पे सैलड है। प्रेजेंटेशन तो इस पर चटनी पर डिप करके खाएंगे पनीर, और आपको बताएंगे इसका स्वाद कैसा है। खाइए, बट डैमेज भी देख सकते हैं। आउटडोर सेक्शन है, दे हैव टू सेक्शन, दे ऑल्सो हैव दैट एसी सेक्शन। एंड सेक्शन को आप साइड में रखते पनीर को अपने मुँह में डालते और टमाटर के साथ पनीर का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, अमेजिंग है, बहुत टेस्टी है। एनीथिंग दैट डोमिनेट्स द फ्लेवर, एक तो मसाले तो है ही अच्छे, पनीर जो है बड़ा सॉफ्ट है, तंदूर होने के बाद भी बड़ा ही सॉफ्ट है। और आई एम वेटिंग टू ट्राई दी पनीर अचारी ऑल्सो। भाई ये तो फुल मार्क्स है, मज़ा आ गया। तो वीक डेज वाइब्स है, और यहाँ पर मैं ट्राई करने वाला हूँ पनीर अचारी। फोकस पे लाते पहले इसे, ये देखिए पनीर अचारी एंड सर्व विथ सैलेड एंड ग्रीन चटनी। अगेन जो पहाड़ी पनीर था ये भी बहुत ही बढ़िया था, और आई एम वेरी मच छुट्टी देखो। अच्छा, 8 पीस तो आते हैं, साथ में आपको ना आगे पीछे से कैप्सिकम और अनियन भी लगा हुआ है। हाँ बोलो, अनियन और कैप्सिकम भी है, तो पूरा ये जो कॉम्बिनेशन है इसे आपको एज ए चटनी में अपना भी चलेगा। अच्छा, चटनी में आपको पनीर अचारी ऐसा नहीं की मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, रियलिस्टिक रिव्यूज आ रहे हैं। अचारी इज टैंगी एंड स्पाइसी, और अगर आपको टैंगी और स्पाइसी नहीं पसंद है तो यू कैन ट्राई द पहाड़ी। बट यहाँ पे बारबेक्यू आइटम जो एकदम ही सुपर्ब है, रिव्यूज पॉजिटिव है, एंड क्राउड आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, बिकॉज दे हैव अ सुपर बिजी डे, इवन इफ इट्स अ मंडे दे हैव अ सुपर बिजी डे। और आप भी आइएगा और जरूर गोविंदा वेस्ट स्ट्रीट पर अच्छा अच्छा खाना खाइएगा। वीडियो शेयर करिएगा, चैनल का टेक केयर करिएगा।